नेतन्याहू ने राफा पर अमेरिकी रेडलाइन तोड़ने की कसम खाकर खुलेआम बाइडेन का अपमान किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने नए मंत्रिमंडल के लिए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को 19 सदस्यीय सूची की सिफारिश की। इंडोनेशिया के सुमात्रा में बाढ़, भूस्खलन से कम 26 लोगों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड विवरण प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने की एसबीआई याचिका खारिज कर दी। 12 मार्च तक खुलासा करने का निर्देश। पीएम मोदी ने गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा खंड का उद्घाटन किया। ममता भाजपा को कांग्रेस के खिलाफ जीत दिलाने में मदद कर रही है। अधीर रंजन ने टीएमसी द्वारा यूसुफ पठान को उनके गढ़ से मैदान में उतारने पर प्रतिक्रिया दी। चूरू से 2 बार सांसद रहे राहुल कासवा ने टिकट नहीं मिलने के बाद बीजेपी छोड़ी, कांग्रेस में शामिल हुए। स्पेस एक्स ने तेजी से दोहरे मिशन में 46 स्टारलिंग उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। बायजू ने भारत भर में लगभग सभी कार्यालय स्थान छोड़ दिए, कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश दिया। ऑस्कर 2024 96 एकेडमी अवार्ड्स में ओपेनहाइमर ने जीता सर्वश्रेष्ठ चित्र।